हेलो दोस्तों, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न जर्मन फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश में। और आज का हमारा विषय है वर्ब्स विद डार्टिव एंड अक्यूजेटिव। ऐसे वर्ब्स, ऐसी क्रियाएं जो अपने साथ हमेशा एक डार्टिव ऑब्जेक्ट और एक अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट को लाती हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से वर्ब्स होते हैं। सबसे पहला जो वर्ब मैंने आज A1 के लिए लिया है वो है एडजेलन। एडजेलन, एडजेलन का मतलब होता है टू टेल, टू नैरेट, यानी कि बताना। अगर कोई कोई चीज़ बताता है किसी को या कहता है तो उसको कहते हैं एडजेलन। अब यहाँ पे आप एक चार्ट देख पा रहे हैं। इस चार्ट में कुछ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ऐसा आपको लग रहा है। इस चार्ट में आप देखिए, इसमें मैंने चार चीज़ें जो हैं हाईलाइट की हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली जो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट होता है। आप हमेशा याद रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो है हमारा एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो है डार्टिव ऑब्जेक्ट। अब ये हम कैसे पता लगाएं? तो इस सेंटेंस में आप देखिए, पहले डिमूटर, यहाँ पे मम्मी है डिमूटर। सेकेंड नंबर पे आया है वर्ब एडजेलन, डिमोटर, फिर आता है एर्जेलन। तीसरा नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि डेटिव ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप बच्चे देख पा रहे हैं दो, मतलब दी किंडर, जो कि प्लूरल में है। और चौथे नंबर पर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट, आइन गेजिस्ट, आइन गेजिस्ट, ऐसे हा जो है जिस्ट आएगा ना, श, आइन गेजिस्ट। गेजिस्ट का क्या मतलब, यह होता है एक स्टोरी, एक कहानी। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या कहानी बन रही है वो आप पहले समझिए। डी मुटर एडजेलन डी किंडर आइन गेजिस्ट, मतलब कि माँ ने बच्चों को एक कहानी बताई, एक कहानी नैरेट की, है ना। रात में जब बच्चे सोते हैं तो मम्मी कहानी बताती हैं, ये सुनाती हैं, तो माँ ने एक बच्चों को कहानी सुनाई। अब इस पूरे सेंटेंस में दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि माँ ने पहले तो क्या सुनाया और किसको सुनाया, है ना दोस्तों। तो क्या सुनाया, एक कहानी सुनाई। तो जो कहानी है हमारी, आइने गिजिश्ट, वो जो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि माँ ने कहानी सुनाई। अगर हम ये स्किप कर दें कि किसको सुनाई, तो ये अपने आप में एक सेंटेंस है ना, माँ ने कहानी सुनाई, ओके। मगर आप किसी को बता रहे हैं तो वो ज़रूर पूछेगा, अच्छा माँ ने कहानी सुनाई पर किसको सुनाई, तो आंसर होएगा बच्चों को सुनाई। तो यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं वो डेटिव ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, क्योंकि वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। उनको डायरेक्टली सबसे पहले तो कि क्या सुनाया गया, कहानी सुनाई गई, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जो आदमी या फिर एक पर्सन हमारे सेंटेंस में आता है वो 99% डेटिव ऑब्जेक्ट होता है। आप देखिए ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखा है, टू होम फॉर होम। टू होम मतलब किसको या किसके लिए, किसके लिए वो आपने प्रयास किया। तो आपने बच्चों को कहानी सुनाने के लिए वो प्रयास किया है। तो यहाँ पे हमारे जो किंडर हैं वो लिविंग लिविंग बीइंग्स हैं, और इसीलिए वो हमारे डेटिव ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। तो इस पूरे सेंटेंस को अगर हम लास्ट में देखें, डी मुटर एडजील्ड डेन किंडन आइन गेजिस्ट, द मदर टेल्स अ स्टोरी टू द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे देखिए, टू द चिल्ड्रन है ना, बच्चों को, जो इंग्लिश में टू लगता है वो होता है हमेशा बच्चों को ना, टू। अब जो भी चीज़ अपने साथ टू लाती है इंग्लिश में, आप ऐसे भी समझते हैं वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसका क्वेश्चन ही है टू होम एंड फॉर होम, किसको या किसके लिए। तो यहाँ पर है हमारे जवाब, हमारा जवाब है डी किंडर। और क्योंकि जो किंडर हैं वो प्लूरल हैं, बच्चे हैं, दास किंड सिंगुलर होता है, डी किंडर प्लूरल है। तो इस प्लूरल में आप चार्ट में देखिए, इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आर्टिकल्स चेंज होते हैं। और डार्टिव ऑब्जेक्ट है इसलिए हम डार्टिव केस में जाएंगे, नंबर थ्री में डार्टिव। और प्लूरल में आप देखिए डेन, तो यहाँ पे हमारे डी किंडर जो है चेंज हो जाएगा डेन में, इसीलिए हमने सेंटेंस में लिखा है डी मुटर एडजेल्ड डेन किंडर्न आइन गेजिस्ट। अब आप पूछेंगे किंडर तो ठीक है, एन क्यों आ गया इसमें लास्ट में,
तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि ये नाउन डिक्लिनेशंस हैं जो कि एक कंप्लीट ग्रामर है। अभी यहाँ पे आप इसको इग्नोर मार दीजिए और सिर्फ आप पढ़िए कि किंडर के साथ हमेशा प्लूरल में डेन किंडन ही आता है। क्यों आता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बता सकती हूँ, बट अभी के लिए आप इतना इसको इतना ही समझिए। ओके गाइस, ये मोटा एक्सिल्ट डेन किंडन आइन गिजिश्ट, और आइन गिजिश्ट जो है वो एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट है, और एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट में डी डी गिजिश्ट है ना, तो डी जो है हमेशा डी ही रहता है, इसीलिए यहाँ पे आया है आइन गिजिश्ट। ए एंड में जो है हमारा सेंटेंस ऐसे ही रहेगा, वर्ड जो हमेशा ऐसे ही रहेगा। और एक चीज़ आप इस येलो पैटर्न में, इस येलो पोर्शन में देखिए, इसमें लिखा गया है डी पर्सन इज माइस्टेंस डार्टिव, जो लोग आदमी हम लोग जो सेंटेंस में इंक्लूड करते हैं वो माइस्टेंस मोस्टली जो होता है डेटिव केस में होता है, और दास डिंग डिंग मतलब होता है द ऑब्जेक्ट, जो थिंग है वो हमेशा एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट में होती है या एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट होती है। तो यहाँ पे मम्मी ने एक्सेल किया, बताया बच्चों को, क्या बताया, एक कहानी बताई, एक कहानी सुनाई। तो एक्सेलन जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या था कि ऐसे वर्ब जो अपने साथ डार्टिव और एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट लाते हैं, तो जब भी कभी भी आप एक्सेलन वर्ड को एक सेंटेंस में यूज़ करेंगे वो हमेशा अपने साथ एक डेटिव ऑब्जेक्ट लाएगा और एक एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट लेकर आएगा। देखते हैं और भी इसके एग्जाम्पल्स ताकि आपको ये और अच्छे से समझ आ जाए। सेकेंड वर्ब है गिवन, गिवन मतलब टू गिव, देना किसी को कोई चीज़ देना। अब इसमें फैसे ही आप इसको समझिए तो आपको इजीली सेंटेंस समझ में आएगा, और हर एक चीज़ को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप आज ये नहीं समझेंगे तो कल को आप और जो बड़े लेवल के हैं उसको आप इस तरह से सेंटेंस को डाइसेक्ट कर नहीं पाएंगे कि कौन क्या है। अब इसमें सेंटेंस है डियर शेफ गेबन डी जेक्रेटेरन डियर ब्रीफ, ठीक है। डियर शेफ मीन्स द बॉस, जो बॉस है ऑफिस में। गेबन सेकेंड नंबर पे वर्ब आता हमेशा मैं कहती हूँ, फिर तीसरे नंबर पे आता है डी जेक्रेटेरन, सेक्रेटरी जो है ऑफिस में जो है सेक्रेटरी है, ठीक है, लड़की है, फेमिनिन है, वाइबलिश है, डी सेक्रेटेरन। ओके, फिर आता है डेयर ब्रीफ, डेयर ब्रीफ मतलब कि चिट्ठी, ये मैस्कुलिन है डेयर ब्रीफ। अब डेयर शेफ, इससे आप सेंटेंस में आप देखिए जो चीज़ें बन रही हैं उससे कहानी गढ़ी है, तो क्या समझ में आता है कि डेयर शेफ बॉस ने गिवन दिया सेक्रेटरी को, डी सेक्रेटरी डेयर ब्रीफ मतलब बॉस ने सेक्रेटरी को चिट्ठी दी, ठीक है दोस्तों। डी सेक्रेटेरियन क्योंकि लड़की है, और मैंने आपको कहा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए एक फीमेल है, एक लिविंग बींग है, एंड डी पर्सन इज माइस्टेंस डार्टिव क्योंकि उसको दिया गया है टू द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को दिया गया, इसीलिए डी सेक्रेटेरियन जो है अब डार्टिव में कन्वर्ट हो जाएगी इस सेंटेंस में। और डार्टिव में आप देखिए, आप आ जाइए इस चार्ट में, डार्टिव में जो फेमिनिन है डी वो हो जाएगी डेयर, यह हल्का ऑरेंज कलर में आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है डेयर, इसीलिए यहाँ पे मैंने रेड में हाईलाइट भी किया है कि जो डी है वो बन जाएगा डेयर, ठीक है दोस्तों। और डेयर ब्रीफ जो हमारा मस्कुलीन है वो एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट में, और एक्यूजेटिव जो है वो डेयर का हो जाता है डेन। अब सेंटेंस क्या बनेगा, डेयर शेफ गिफ्ट, कंजुगेट होगा ना गिबन, इश गिब दू गिब्स एयर गिफ्ट, थर्ड थर्ड जेंडर है यहाँ पर, एयर लड़का है, डेयर शेफ गिफ्ट डेयर सेक्रेटेरियन, डेयर शेफ बॉस ने दिया डेयर सेक्रेटेरियन कन्वर्ट होके डेन ब्रीफ चिट्ठी, मतलब कि बॉस ने सेक्रेटरी को चिट्ठी दी, द बॉस गिव्स द लेटर टू द सेक्रेटरी। फिर से बोलूँगी टू द सेक्रेटरी, टू जो आता है टू हूम, फॉर हूम हमेशा डेटिव ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे जो फीमेल है वो हमारी लिविंग बीइंग है और पर्सन है, इसीलिए यहाँ पे ये डेटिव ऑब्जेक्ट में आई है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि डेटिव ऑब्जेक्ट और एक्यूजेटिव, हमेशा डेटिव ऑब्जेक्ट का जो क्वेश्चन है वो होता है किसको,
किसको दिया गया? जाहिर सी बात है किसी आदमी को ही देंगे, और आदमी जो होगा वो जिंदा होगा, लिविंग बींग होगा। इसीलिए पढ़ाते समय हमेशा कहता है 99% जो है डेटिव ऑब्जेक्ट एक लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, एक लिविंग बींग होता है, एक पर्सन होता है, और एक्विजेटिव ऑब्जेक्ट होता है एक नॉन लिविंग जिसमें कोई जान नहीं होती। पहले केस में क्या था? कहानी थी, आईने गिजिश्ट। दूसरे केस में क्या है? डे ब्रीफ, एक चिट्ठी, नॉन लिविंग है, कोई जान नहीं है उसमें, ठीक है, देने वाला भी आदमी है और लेने वाली भी आदमी ही है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई होंगी। देखते हैं, बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। जाइगन, जाइगन मतलब होता है दिखाना, टू शो, किसी को कुछ दिखाना। इस केस में कौन किसको क्या दिखा रहा है? देखते हैं, फिर वही 1 2 3 4। सबसे पहले आता है इश, इश मतलब मैं, लेट्स सपोज मैं दिखा रही हूँ जाइगन टू शो। सेकेंड नंबर पे वर्ब। तीसरे नंबर पे आता है डेअमान, डेअमान मीन्स आदमी, डेअमान मस्कुलीन है। और चौथे नंबर पे आता है दास रिसेप्ट, दास रिसेप्ट, दास रिसेप्ट का क्या मतलब होता है? प्रिस्क्रिप्शन, जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है ना दवाई की, उसको कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन, दास रिसेप्ट। न्यूटर जेंडर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आप इसको सेंटेंस में फ्रेम करते हैं, इश जाइग, कंजुगेट हुआ इश जाइग, डेअमान, आप डेअमान, फिर एक आदमी है ना, आप बोलेंगे कि इश जाइग, मैंने दिखाया, किसको दिखाया? एक आदमी को दिखाया। तो डेअमान जो है डेटिव ऑब्जेक्ट, आप समझिए डेटिव ऑब्जेक्ट, ओके डेटिव है, डेअमान हो जाएगा डेमान। दोस्तों इतने टाइम से आप जर्मन पढ़ रहे हैं, इवन मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि मस्कुलीन जो आर्टिकल्स हैं उनको आप हमेशा याद करना बहुत ज़रूरी है। एक्यूजेटिव डेटिव में क्या होगा? एक्यूजेटिव डेन होता है, डाटिव डेम होता है। गेनेटिव मैंने अभी तक पढ़ाया ही नहीं है, मैं इसको जो है 8-2 में स्टार्ट करूँगी गेनेटिव को। अभी आप यही याद कीजिए, नॉमिनेटिव डेयर, एक्यूजेटिव डेन, डाटिव डेम, डेयर डेन डेम। तो यहाँ पे जो डेटिव ऑब्जेक्ट है डेम मान वो हो जाएगा डेम मान, ठीक है, डेम मान, मैंने दिखाया, किसको? आदमी को दिखाया। अब क्वेश्चन हो गया किसको, और फिर आता है क्या दिखाया। अगर आप एक सेंटेंस ऐसे बोलिए, चलिए भूल जाइए ये सब चीज़ें, सोचिए मैंने दिखाया आदमी को, अगर मैं किसी को बोलूँ मैंने दिखाया आदमी को, सभी पूछेंगे क्या दिखाया, क्या दिखाया, आता ना क्वेश्चन, ये सेंटेंस तो इनकम्प्लीट सा लगता है। या अगर मैं ऐसे कहूँ कि मैंने दिखाया प्रिस्क्रिप्शन, मैंने दिखाया प्रिस्क्रिप्शन, तो सब पूछेंगे किसको दिखाया प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर को, किसको दिखाया? तो ये क्वेश्चन हमेशा जाइगन वर्ड के साथ आएंगे। हिंदी में भी हम बोलते हैं उसके बिना सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं होगा। ये इंग्लिश में भी ऐसे बोलेंगे, आई शो टू द मैन, वॉट क्वेश्चन आएगा, क्या क्या दिखाया? आई शो द प्रिस्क्रिप्शन टू द मैन, या ऐसे आई शो द प्रिस्क्रिप्शन, ओके यू शोड द प्रिस्क्रिप्शन, बट टू हूम, किसको दिखाया? आई शो द प्रिस्क्रिप्शन टू द मैन। इसीलिए ये वर्ब जो हैं, जैसे मैंने अभी बताया एरक्लेरन हुआ या जाइगन हुआ, ऐसे पहले वर्ब जो था, वो सारे वर्ब जो हैं हमेशा अपने साथ एक डेटिव और एक एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट लाते हैं, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाते हैं। हम ऐसा क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये ग्रामर है, इसीलिए हम ऐसा पढ़ते हैं। मगर आप जब एक से सेंटेंस बोलेंगे, आई शो द प्रिस्क्रिप्शन टू द मैन, इश जाइग देम मान देता स रिसेप्ट, तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि ये चीज़ें ऐसी क्यों हुई हैं। डेयर मान तो आदमी होता है, अब अचानक से सटाक से ये डेम मान हो गया, मुझे तो नहीं समझ में आया, बहुत लोगों को समझ में आता भी नहीं कई टाइम तक। बट इसका रीज़न आप इस चीज़ से अच्छे से समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको बहुत ही ग्राफिकली समझाया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर का पार्ट है। आज आप 4 पढ़ रहे हैं, आप जैसे जैसे लेवल बढ़ेंगे वैसे वैसे और 10 20 साथ में ये बढ़ते जाएंगे, इसीलिए ज़रूरी है कि आप इसको आज अच्छे से समझिए। तो अब यहाँ पे डेम मान का हो जाएगा डेम मान, और दास रिसेप्ट क्योंकि एक्यूजेटिव में है, दास का हमेशा दास ही रहता है। आप चार्ट को साथ साथ में देखते चलिए, देखिए ग्रीन कलर में यहाँ पे एक्यूजेटिव जो है दास में ही है, इसीलिए अब कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, इश जाएगा डेम मान दास रिसेप्ट। अब आपको कभी सेंटेंस आएगा तो आपको पता होगा, ओके जाइगन है, ये वर्ब तो हमेशा एक डेटिव एक एक्यूजेटिव आता है, डेयर मान का जो है डेटिव में डेम मान हो गया,
और दास रिसिप्ट क्योंकि एक्यूजेटिव था इसीलिए दास जो है दास ही यहाँ पे रहा, दास रिसिप्ट। आई होप दोस्तों ये आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि इससे आसान मुझे नहीं लगता कि और मैं इतने अच्छे से समझा सकती हूँ आपको, या फिर जब मैं भी पढ़ती थी तो मेरे को भी बहुत कन्फ्यूजन रहती थी, पर धीरे धीरे ये मेरे कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। तो आई होप कि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए, और मैंने बहुत ही बेसिक वर्ब्स इसमें इंक्लूड किए हैं जो आपको एवन लेवल में आने ही चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए फोर्थ इज एरक्लेयरन, एर्क एक साथ अलग अलग करके बोलिए, एर्क लेयरन, एर्क लेयरन मीन्स टू एक्सप्लेन, समझाना, जैसे मैं आपको अभी समझा रही हूँ। देन इश एरक्लेयर ओइश, आई एम एक्सप्लेनिंग टू ऑल ऑफ यू ना, इश एरक्लेयर ओइश, ओइश मीन्स आप सबको मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ। इस एग्जाम्पल में है सबसे पहले डेयर लेयरर टीचर, एक्लेयरन इश दी ग्रामेटिक, जो टीचर है वो पढ़ा रहा है, समझा रहा है, टीच कर रहा है इश मुझको दी ग्रामेटिक, दी ग्रामेटिक ग्रामर, ग्रामेटिक कहते हैं जर्मन में। इश अब यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है, इश इश मतलब मैं, मतलब टीचर मुझको ग्रामर समझा रहा है। तो अब हम लोग ये आर्टिकल्स छोड़ देंगे, अब हम आ जाएंगे पर्सनल प्रोनाउंस में। आप देखिए यहाँ पे बीच में दो टेबल्स हैं, एक में मैंने यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस की टेबल भी यहाँ लिखी है, ताकि आपको फिर से एक बारी रिविजन हो जाए कि पर्सनल प्रोनाउंस कैसे हम यूज़ करते हैं एक्यूजेटिव एंड डेटिव में। यहाँ पर डार्टिव की बात हो रही है, इसीलिए मैं आपको डार्टिव एक्सप्लेन करती हूँ। मेयर, डियर, मेयर एंड डियर हम यूज़ करते हैं, इसीलिए आ जाएगा इश का मेयर। डियर लेयरर एक्लेयर्ड मेयर डी ग्रामेटिक, इश का हो जाएगा मेयर, लेयरर ने टीचर ने मुझे एक्सप्लेन किया, डियर लेयरर एक्लेयर्ड मेयर डी ग्रामेटिक। और डी ग्रामेटिक जो है हमारा वाइब्लिश है, फेमिनिन है, और एक्यूजेटिव में डी का डी ही रहता है, ये आप इस आर्टिकल वाले चार्ट में देख सकते हैं। एक्यूजेटिव में आप डी देख सकते हैं, ये हल्का पिंक कलर का जो दिख रहा है उसके बैकग्राउंड में डी, फेमिनिन डी ना, देयर लेयरर एक्लेयर्ड मियर डी ग्रामेटिक, टीचर ने मुझको ग्रामर समझाई। इस केस में भी इश रिसीवर जो है, डेटिव ऑब्जेक्ट जो है एक आदमी है, और आदमी मैं हूँ, मुझे समझाया है, और क्या समझाया है, ग्रामर, ग्रामर अगेन एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, थिंग है, कोई चीज़ समझाई गई है, ठीक है। द टीचर एक्सप्लेन्स द ग्रामर टू मी, फिर यहाँ पे टू का यूज़ किया है, तो आप याद रखिए इंग्लिश में जो भी चीज़ टू किसको समझाई गई, किसको, हिंदी में हम क्या कहते हैं, किसको समझाई गई, टू, तो यहाँ पे समझाई गई है मुझको, इसीलिए यहाँ पे ये डेटिव ऑब्जेक्ट है। दोस्तों ये तो थे चार वर्ड्स हमारे, ऐसा नहीं है कि आप एवन में सिर्फ चार वर्ड्स ही पढ़ के रह जाएं, मैंने इसमें इस चार्ट में और चार वर्ब्स इंक्लूड किए हैं। अगर आप और भी पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख दीजिए, तो मैं आपको और भी लिस्ट लिस्ट जो है दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फेसबुक के पेज पर मैं आपको ये अपडेट कर दूँगी। अभी आप इस स्टार्टिंग में 8 भी पढ़ेंगे तो आपको ये इजीली क्लियर आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे है इश काउफ माइनर मोटर एंड गेशिंग, काउफन वर्ब है, इश काउफ माइनर मोटर, मेरी माँ को, किसको, मेरी माँ को एंड गेशिंग, मैंने अपनी माँ को एक तोहफा दिया, तो जो गेशिंग है वो हो गया क्या, मीन्स एक ऑब्जेक्ट है, थिंग, और किसको दिया, मेरी माँ को दिया, माइनर मोटर, इसीलिए डी मोटर का हो जाएगा माइनर मोटर। आई परचेज अ गिफ्ट फॉर माई मदर, या आई परचेज अ गिफ्ट टू गिव इट टू माई मदर, हाँ फॉर होम या टू होम, हमेशा क्वेश्चन याद रखिए डेटिव का, फॉर होम टू होम, कॉफिन मीन्स टू परचेज। इश शेंक ईयर एंड बुक, इश शेंक, शेंक मतलब शेंकन होता है, टू गिफ्ट, किसी को गिफ्ट देना, इश शेंक ईयर एंड बुक, ईयर एक लड़की है अगेन,
एक लड़की है, लिविंग ऑब्जेक्ट है, और क्या दिया उसको, एक बुक दी, एक उसको एक बुक उसने प्रेजेंट की, आई गिफ्ट अ बुक टू हर, टू हर इंग्लिश में हम लिख लिखते हैं हर, एंड जर्मन होता है ईयर, आई गिफ्ट अ बुक टू हर। अगेन शेंकन वर्ब जो है हमेशा डीडी और अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट साथ में लाएगा सेंटेंस में, लाएगा ही लाएगा, नो अदर ऑप्शंस। थर्ड, फ्राउ डेनियला श्राइब्ड फ्राउ आलिया आइन पोस्ट आइन पोस्ट कार्ड। फ्राउ डेनियला मीन्स मिस डेनियला जो है श्राइब्ड, लिखती हैं किसको, किसको लिखती हैं, फ्राउ आलिया को लिखती हैं एक पोस्ट कार्ड। क्या लिखती हैं, एक पोस्ट कार्ड लिखती हैं, श्राइबन अगेन टू राइट। फिर से एक किसको, फ्राउ आलिया को लाया, और क्या लाया, क्या आइन पोस्ट कार्ड मीन्स एक पोस्ट कार्ड। हमेशा क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछे सेंटेंस में, क्या है, किसको है, क्यों है, इसी से तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, अदरवाइज तो कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी ही नहीं सेंटेंस में। इस सेंटेंस में देखिए, डेनियला ने फ्राउ आलिया को एक चिट्ठी, एक पोस्ट कार्ड लिखा। मिस्टर मिस मिस डेनियला राइट्स अ लेटर टू मिस आलिया, श्राइबन टू राइट। नंबर फोर, माथियास, माथियास एक जर्मन वर्ड है, जर्मन नेम है माथियास। शिक्ट, शिक्ट शिकन, शिकन मीन्स टू सेंड, भेजा। डेम शेफ, अब यहाँ पे डेयर शेफ का हो गया डेम शेफ, डाटिव ऑब्जेक्ट ना, किसको भेजा, डेम शेफ अपने बॉस को भेजा। क्या भेजा, आइनन ब्रीफ एक चिट्ठी भेजी, माथियास शिक्ट डेम शेफ आइनन ब्रीफ। माथियास शिक्ट माय माथिया शिक्ट डेम शेफ आइन इन ब्रीफ। माथिया सेंड अ लेटर टू द बॉस, देखिए टू द बॉस किसको, टू, टू होम फॉर होम। अगेन क्वेश्चन पूछते पूछते चलिए अपने आप से सेंटेंस पढ़ते पढ़ते, तो आपको समझ में आने लगेगा, ओके किसको मीन्स डेटिव ऑब्जेक्ट है, डेटिव ऑब्जेक्ट मतलब एक पर्सन है, एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट ओके एक थिंग है मतलब क्या है ना दोस्तों। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन द वर्ब्स विद डेटिव एंड अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट। दोस्तों बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर का पार्ट है, इसको आप अच्छे से पढ़िए समझिए। कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट वीडियोस। मिलती हूँ जल्दी आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड चूज़।